ਧਾਰੇ ਚ ਇਹਨੇ ਜਾੜੇ ਚ ਇੱਕ ਮਾਨੂੰ ਇਕਲਾ ਗਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਓ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਭਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਚ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨੇ ਥਮਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਓ ਦੇਖਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ जाने दा ना सुरगेश सोना लक्को साड़ा करा सुरगेश सोना लक्को साड़ा करा मिठड़ी जवान डोगरी भाषा उंदी है जिंद जान ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਪੁੱਜਿਆ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਜਾਈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕਥ ਕਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਜਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ
कहती है मिठड़ी जवान, डोगरी भाषा आंदी है जिंद जान। घरा दे लोकें दी है मिठड़ी जवान, डोगरी भाषा आंदी दोस्तों। ग्राएं दे विच खास करी मनोरंजन का साधन जिहड़ा असीं दिखा करने आ साडी परंपरिक खेडां उह है कबड्डी। अज असीं दिखा करने कबड्डी जिहड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी इहदा मैच चलदा है और बड़े सारे बच्चे जिहड़े न अज कबड्डी दे विच भी ना कमाई है राष्ट्रीय स्तर पर वह खेलने जांदे न। अज उहदा भी इक असीं दिखा करने आ भई टूरनामेंट चलदी है और टीवी पर बड़े सारे बच्चे दिखिए मुतासर होंदे। दोस्तों इन खेडे कन्ने गए बच्चे जिहड़े न कई वारी राष्ट्रीय स्तर पर पुजदे न पर जरूरत पौंदी है इंदी खेड गी तुहाडे तक पहुंचाने दा, खास करके इन जज्बा पैदा करने की। इन नौजवानों कने गलबात भी करने के नाम जी थोड़ा दीपक कुमार जी। दीपक जी कबड्डी खेड जी है आखते भाई तंदुरुस्ती भी होंगी और खेड कूद करने एक चीज़ होंगी है कि बच्चे का आपू बच्चे थबाक भी होंगे कि आखते भाई खेडा जी वो बचपन की कि निखार सकती ये बहुत ही ज़्यादा निखारी सकदियां ने ये क्योंकि ये करना जरा एक सेहत भी बनती है साड़ी है नॉलेज भी बदलता ये करना डिसिप्लिन वगैरह डिसिप्लिन लाइफ है जी साड़ी ठीक है और जरा अस जो सोशल वेलफेयर जो मतलब कि अगर जेडे पर इनकी जो यूथ है जो सा उन्हें थोड़ा जहाँ अगर पजाने की जरूरत है क्योंकि इतने जो मीडिया का दूसरा नंबर कुछ भी जो मतलब कि साढ़े को दूर संचार की कोई भी फैसिलिटी वगैरह बिल्कुल सच गल करते हैं। दोस्तों भाई दूर दराज के इलाके कोई नहीं पुजता पर साढ़े चैनल का प्रयास अस पुजे हैं विनोद कुमार जी। विनोद जी खेड कूद आखते भाई नशे को भी दूर रखती हाँ। मते सारे बच्चे अज ग्रां च अस दिखाने भाई नशे की गिरफ्त के आवा करते अगर खेडने कने उनका अंदर जज्बा पैदा हुआ तो क्या ये दूर हो सकता हाँ ये दूर हो सकता है कि इस साढ़े ग्रां च नशे की इन्नी दौड़ नहीं है क्योंकि बाबा मेमल का स्थान इतना ऐसा है कि साढ़े लोग जो नवे मुड़े जो नशा नहीं करते हैं अगे पिछे चली जाओ तो सारे इधर खल और साइड चली जाओ अखनूर साइड चली जाओ बड़े मुड़े जड़े न नशे का गिरफ्त बेच लेकिन साढ़े ग्राम में जो अजे तक बाबा जी की मेहर है कि कोई नशे के मुड़े नहीं नशे का कोई लग्या नहीं है। और कबड्डी जी खास करिए अजकल राष्ट्रीय स्तर पर खेली जा करती है राष्ट्रीय जी खेड कूद है क्रीडा है पर अज राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें टूरनामेंट भी होंगे कई बच्चे जो टीवी पर देखते जज्बा आता हाँ जज्बा आता अभी वीवो प्रो कबड्डी जो लाइदी है हम प्रदीप नरवाल का मैं बड़ा फैन हाँ महाराज यह है कबड्डी का बड़ा मन करता खेलने लेकिन साढ़े अस जो बचपन में उल अस नहीं खेडा खड़ाई गई सारे स्कूलें गेमा घट ही असं थोड़ा प्रॉब्लम हुई तो वजह करने अस मन बड़ा करता हा खेलने का लेकिन नहीं आहा कोई पुजने का सदन आहा ये पिछड़े का वर्ग ग्रां है थोड़ा चलो हूँ कोशिश है कि इंद्र थ्रू सारा भी थोड़ा वो मसला हल। बिल्कुल सच गल आखर दिन दोस्तों कि अगर जितों तक सरकार नहीं पुजे ना उत्थे साडा मीडिया का कम हुंदा अस पुजिए इंदे लोकें दी आवाज़ तुहाडे तक पहुँचा करने जिवें आखिया भाई राष्ट्रीय स्तर पर तां पुजी सकने पर साडे स्कूलें च भी ऐसी खेडां होण ऐसी क्रीडा होण जिहदे विच अस ना कमाईए कुछ अगे बधने की कोशिश करचे। अज कई वारी अस दिखने भाई सरकारी विभाग च नौकरियां लभदियां ने जिहड़ा बच्चा खेड कूद करने अगे वधदा है तो ये दोस्तों ग्रां की संस्कृति सांझा करदी हुण कुतै होर टोल लैने होर किश लभदा उह भी तुहाडे तक पहुँचाने का प्रयास करने। जाने दा ना सुरगेश सोना लपो साडा करार सुरगेश सोना लपो साडा करार
दोस्तों एक कारक रूपा जिहड़ा इस भजन सुना करदे हे आते वे देवी देवते की खास करिए जिल्लै भी पूजा जांदा ये जिहड़े नाच लोग न एक कारक रूपी ये भजन गाई उन्हें देवते की रजांदे न उन्हें की मनांदे न ते अज जिस देवते की गल चला करदी है वह बाबा महिमल दी है। इत्थों दे लोग जिहड़े बैठे न इंदे कोला जाणिया खास करिए साढ़े जम्मू सूबे दे विच जियां बाबा जितमल जी का थां है जिन्हें न्याय के प्रति अपने आप की बलि दी उंगा गए ये भी एक किसान है इन्हें भी अपनी बल जिहड़ी है वो न्याय के प्रति दी। इं दाता रणपत देव ने जिन्हें न्याय की खातर अपने आप की बलिदान दिता तो अज इतों का इतिहास है वह भी थोड़े साझा करना के ना जी थोड़ा रतन लाल शर्मा रतन जी ये बाबा का स्थान जिहड़ा है जी बड़ा पवित्र है बड़ा ना सुने का की कहानी है इन कोई थोड़े शब्द दर्शकों जगह अगे पिछे जिनी भी है खासकर वो पिछे अस शायद थोड़े आग वो भी वो जगह उन्हें पुटी इतने बिल्कुल बंजर जमीन ही सरूट ब्रैंकड़ भला जो भी आ उन्हें पुटी जगह वो जगह कणक राई बरैला बाई बरैल बाई ठीक ठाक मेहनत की कणक राई कणक बड़ी ज़्यादा हुई वो एक आस तो यह होगी कि वो एक काल रूप ही कणको जी लेकिन जुने जगह दी हूँ भगवान जाना कि वो लालची हुई है उन्हें आख्या बुढ़िया कणक नहीं बढ़िया अभी बुढ़ा आखन लगा कणक नहीं बढ़ी मैं बड़ी मेहनत की थी आंदे होल के हो झगड़ा लगी गया कोई फैसला नहीं हो सकिया उनका इत्थे गै एक पारू लुहार हा मित्र उसी आख्या कि एक कटारा बना छुरा शैल जहा अग मैं जाना जमीन लैनी जा अपनी जान कड़ी ओड़नी जी जिमी तो लभी नहीं उसी आखिर उन्हें अपनी उन्हें सैनी मतलब जग रचाया था घर डोरी डगेर हाँ जी खरोड़ ये उपर इतना खरोड़ जगह ना है बाबा बिमल भी चली गई उत्थे सोचा शायद काफ़ी लोग कट्ठे हुए थे मेरा भी किन्ने आओगे घर भी उन्हें अपनी माँ की आख्या कि जा मैं जगह लैनी नहीं जा मैं मरी जाना उन्हें आख्या मोया नहीं गल इन ये नहीं करें उन्हें आख्या माता मैं थोड़े मूँह नहीं लगना है उन्हें कारक बच्चे भी दस्या साढ़े जोगी है तो उत कोई गल नहीं हुई है आखते हैं कि जिस वे उन्हें दाल पत्त जो भी बनाया था खाना उन्हें आख्या भाई खाओ उन्हें कटारा अपने ढिडा ही मारिया थले डिगी पिया आखते हैं कि चौल जो कीड़े बने गए दाल अंबल हेड़ो खून बनी गया तो पिछे दिखा पुजवाड़ कोई राणी गई पिछे दिखा कि बाबा महिमल महिमल इतने पेदा तो चुकी उसी गई अपने उन्हें पैर खब्बे पैर सीधा किया उसी तो बाबे ने आख्या ये बड़ी बुरी की अगर सीधे कहने कर दी तेरा ककना बिगड़ता ये जुने जुंदे पिछे मैं जान दी थी इनका कोई नहीं लगा रोन खैर हूँ देखो भगवान की मर्जी है उनका कोई है या नहीं है अस नहीं आखते लेकिन थोड़ी लड़ी है एक ओदी लड़ी है उस औरत की एक लड़ी है बाकी जेडे उन्हें झगड़ा लाया लेकिन वो काफ़ी अमीर है लेकिन उनका खत्म हो गया सारा बाबे की ऐसी शक्ति बिल्कुल एक गल जो न्याय के प्रति अपने आप की बलिदान किया इनका कोई दिन दिहाड़ा कोई वार्षिक दिहाड़ा तुम कोई बनाते हो अस छे महीने मेल करने ਸਿਉੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੂਨ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣੇਦਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਵਲ ਜੀ ਆਤੇ ਪੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ उल्ले तो गरीबी ही लोगों की इनका स्थान भी कच्चा होना अच्छ महिमा लगी दी है कि प्रयास हुआ था थोड़ा इस जगह की और विकसित करने वास्ते देखो जी सारे को पहले तो मैं थोड़ा बड़ा धन्यवाद करना कि साढ़े देव स्थान पर आनिए तुस साढ़े देव स्थान की सारे इस अपने माध्यम कन्नै सारे की इस बारे जानकारी देगो तो बाकी इत्थे पुराने बजुर्ग सुनांदे कि इत्थे थोड़ी जी जगह है कच्चा मकान हाँ तो बजुर्गे जिन्ना उल्लै जुड़दा हा उस हिसाब का चलांदे रहे आस्ते आस्ते
फिर पक्का होया फिर इसी बधाया तो हूँ अस ये डिवेलपमेंट के बारे अगे बढ़ते जागे बधाते जागे तो सारे लोगों की भी इतने कोशिश है खाली साड़ी बलादर गया नहीं इतने मदद करती बाकी भी जिन्हें भी लोग ने इतने जिन्नी भी जात साड़ी रोंदी वो सब इतने योगदान देंगे तो मैं गवर्नमेंट अगे भी थोड़ी कोशिश मतलब उन्हें अगे भी प्रार्थना करूँ कि साढ़े इतने देवस्थान की जो थोड़ा डिवेलप करने साड़ी मदद करनी इस ग्रां पक्षी भी सरकार का रुख है और खास करी देवस्थान तो इतों के लोगों के रहने वाले जो इतों के लोग वसिंदे उन्हें सड़क संपर्क ने जुड़िया जा फौजिया फटा मेरा दुपट्टा प्रेस पे करनी आ दोस्तों ये जो गीत सुना करते हैं खास करिए फौजन जल्द फौजी बाहर ड्यूटी पर गेदा होंगे तो घर जल्द टुक भड़की चला दी हो माँ का जिक्र होता भाई बड़ी लड़ाकी है तो आखिर मौका मिले तो गुत भी देनी पुटी है एक नार बैठती है वो गल कथ करने उनके मन की गल तुटक पाने का प्रयास करना के ना जी थोड़ा रिया शर्मा रिया जी गीता के बोल सुनने हो सस नूं दा विच मेरे ख्याल मुकाबला बराबर चला करता वो घर च हों गीतें जगह हों पुराने बुजुर्ग काम धंधा करिए जल्द कुल संजा लो खट्टा पर पाउंदे आखदी फिर मेरे नूहां का खाब हुंदा अपना ससा ने खाब लैंदे मेरे नूह जिहड़ियां उह साड़ी लत्तां चिक्के कदे तुसीं हत्थ लाया दवांदे हो जोर लाइए जाइया गए सस पिछे बोला झूठ है अजे दाड़ नहीं लगा था लत्तां दबाने का एक चीज और खास करी तुहानू पुछना भाई ग्रां दा जीवन जेड़ा है लोग आखदे बड़ा सौखा ते सखला जीवन होंदा शहरां च लोग एक दूए कन्ने घर आले कदा पता नहीं होंदा कोई सुख दुख का साथी नहीं होंदा ग्राएं च जिल्लै आपू विच नारा मिलिए बौंदियां की गल्लां बातां करदियां कोई परोखां गै करदियां जां कोई सुखां दी वी गल करदियां सुखां दी वी करदियां पर मतियां मतियां परोखां मतियां परोखां करदियां गल नवियां बौटियां आईयां या
कल नवियां नूंहां आईयां इन्हें आंदे कुर्सियां डाईयां। दोस्तों गीता दे बोल जिहड़े लगा दे हे पर माता उन्हें दिलां दे विच चंगा संजोईया रखे दे ने कोई कुर्सी डड़ी दी लभदी है। इन्हें कन्नै गल कत करने आ ते इन्हें मना दी जिहड़ी कुर्सी है वी बाहर कढ़ने। मां के नां तुहाडा? कमला जी। माता जी जमाना पुराना जी ते अज च बड़ा फर्क है। पुरानियां नूंहां च लै घर आउंदियां हां ते कई कई साल बरे होई जांदे कुसे पता भी नहीं लगदा पे उहदी शक्ल भी कुसे ने दिखी दी है। अजकल जो बोल बोला करते पे अजकल नवी नूह आई आंदे कुर्सियां डाइया इन्हें दिखिए तो अज मना की होंगे होंगे तो बड़ा किश है और फिर अपना अपना समा दिखना अपना समा समा दिखना अपना अपना तो जे कुछ खोई जा तो खोई जा तो इे दुए बैठ नीवे हो जाए तो कख भी नहीं बिगड़ता जे घर उच्चे हो जाए तो सब कुछ उच्चे हो जाए तो कुंडे खटकी खटकी जाते कुंडे। एक गल जी पहले भी मैं गल की है भी घर का सुकून तांग रहा एका तांग रहा जे तड़ी जीव दंदे थले रवे ते गोता कौन कोदी खांदी है पहले ससू दी जां कई बिच बिच नूंहां भी होंदियां ने कई ससरी होंदियां तेज ओह आदियां अस पहला आई दियां असें शैल गै आखनी गल कोई ई अज आईयां ने इनें केह पता के है ते के नहीं ते होंदियां ओह भी पढ़ी लिखी दियां ने समझ ते उनें भी होंदी है मती समझदार ओह जिहड़ी पढ़ी लिखी दी है ते असें वे पुराने गै देने होंदे जिहड़े आखदे धूनी जुगे ही पर जिया मैं गल करा था पहले पूछा था नूंह कद गोडे भी दबादियां के तुहाडे अली ने कद हाथ लाया मां बीमा करा लो भन्नी उड़दी ने अजकल नहीं नहीं कोई नहीं बनदी है नहीं नूह नहीं है माड़ी भंडने वाली हाँ नहीं भंडने वाली नहीं भंडने वाली एक चीज है मां आधे नूह ते त्यू च कोई फर्क नहीं होंदा फर्क नहीं है वो समझे कोई ता समझे कोई ता ते समझना कौन चाहिदा ससु ने जानू ससु ने पर ससु दी जीबे दा तीर निकले दे आपे फोन देख नहीं पा ससु ने समझना भाई मैं ती अपनियां जेदे ओ है दा भाई मैं दित्ती दियां ए भी बगानियां जेडियां बणियां उने भी तियां होनी जेडी कोहरी जेडी आंदी वो अपनी ती होंदी है मेरे ख्याल च नूहे बावे का चुकन करनी चाहिए भी ऐसी सस कोई लभे चलो कई कर दी हूं लभ ही जांदियां एक चीज और अस दिखने वा अज साडे समाज दा पर एक कृति है कि दाजिया पिछे कई नूहां ताने मारी मारी जलाई दित्ती जांदी मारी दित्ती जांदी है कि दाज पक्का होना चाहिए जां अपना पुत्र गै इतना कमाई वाला होना चाहिए कि दाजे दी लोड़ नहीं पवे बंदा होवे ते दाज बनाई सकदा जे अपना गै नहीं हाथ पैर गै नहीं अपने चल ना ते दाज के करना जिन जिन मां दाज लिया एक गल और असें दिखने आई ओ भी तौले के टुक टुकी लैंदे ते चुल्ला पहले कढ लैंदे बाहर ओ फिर उन्हें अपना इन्ना साझा आंदा दा हुंदा ते उन्हें करने गए ते अपना पले 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 दा जिहड़ा ओ संपणा होई जांदी फिर ओ इयां फिर ओ भजने उठने गए ना उन्हें की करना पर एक गल और है मां जले दिखने असें जले कोई मिलनी हुंदी ते सस पहले गै अपने कन्न दसन लगी पौंदी भई चुमके मी ना असें शैल छवैले दे हे असें आके इया ठीक ने जेड़े हैन पर जे पई जान चुमके ते क्या ससु कोल रौंदे नहीं नहीं बिलकुल दोस्तों सच गल करने मते बारी अस भी कोशिश करने मजाक मजाक सही पर जिन्हें लोग दाज लिया उन्हें अपना पुत्र गम होया जे आपू गई घर सौदा होगा मंगवाई लिया पर चुल्ला चमके भांडे पहले गै लिया ना तो एक टुक पड़ुकी होनी तो थोड़ा पले पलाए का पुत्र तो करने एक कमरा भी उन्हें मली लेना इस तू अच्छा है कि अगर तुम पुत्र बगैर दाजा ब्याह गए तो नूह कम से कम जीव थोड़े चिर दंदे थले रखोगे इस संस्कृति सब कर दी एक होर गीत सुनने भी कुसा का होर मन टटोली उनके मन की गल भी तुरंत पजाने का प्रयास करने बाबल में
बाबल मेरे गुडियां तेरे घर रह गईयां। दोस्तों ये जड़ा सुहाग रूपा गीत सुना करते बड़ा दर्द छलकदा उस बेटी के मन दे विचा जिहड़ी अपना घर छड्डी ते बगाना घर अपना घर बनाना। बच्चियां बैठियां इंदे कन्ने वी गलबात करने की नाम जी तुहाडा? अंकिता शर्मा। अंकिता जी, कुड़ी का किन्ना जिगरा हुंदा जिस घर च जन्म लेना उस घर च सारे का प्यार पाना, दादी की गोदी भी खेडना, माँ की गोदी भी, चाची ताइया कन्ने भी प्यार करना, भैने भ्राएं कन्ने हसना खेडना लड़ना, तो फिर एक दिन ऐसा आ जाता तैयारी करनी है कि वह पले पलाए का घर छड़िए तो बगाना घर जी है अपना बनाना। सारे पता होंगे कि एक दिन जाना है तो फिर वो पहले ही तैयारी करिए दिन रखनियां, पर वो सोचनियां कि अगर उत्थे भी सानू इयै नया माहौल लगभग तो फिर अहें उत्थे भी एडजस्ट कर सकने हैं हर एक चीज़ विच। एक चीज़ है, पहले तो कुड़ियां कच्ची उम्र दा विच माँ प्यो तौलेगा हथ पीले करिए तो असीं ब्याह उठते हैं, कोई समझ नहीं, कोई सोच नहीं होंगी। अज कुड़ियां हर माँ प्यो चाहता पहले उन्हें पढ़ाओ, पैरों पर खड़े करो, फिर कुड़ियों की अगला घर विधि बनना ला देना। पढ़ी लिखी की कुड़ी दे विच किन्ना उहदे च निखार और अपने आप पर खुने का मादा होंगे कि अगले घर जी वह बनी सके सारे, क्योंकि जी पढ़ी लिखी की कुड़िया होंगे उन्हें होंगे कि अगर उत्थे कुछ गलत भी होएगा तो अहें अपने जो पढ़े दा अहें अपना स्टैंड हो गया, पढ़ी लिखी कोई जॉब वगैरह लगी दी होएगी तो फिर वो उत्थे एडजस्ट कर सकते हैं हर एक चीज़ में। एक चीज़ होंगी पढ़ाई के कन्ने कन्ने कुछ नैतिक गुण होंगे जिड़े पढ़ाई अजकल किताबा भी लगी दी मॉरल वैल्यू दी, पर कुछ मॉरल वैल्यू नैतिक गुण जेडे साढ़े पुराने बजुर्गों को मिलते हैं कि जियां आखदे भाई बड्डे लगे जाना तो सिर नंगा करिए नहीं जाना, पहनावे दे उपर हुंदा घूंघट जिहड़ा अज पहले प्रथा आखदे हे लोग ते अज ते उंगत घूंघट छड्डीए ते चुन्नी के गुआची, उहदे क्या उह नैतिक गुण होने चाहिए? होने तो चाहिए दिन पर इन्ने ज़्यादा भी नहीं, मतलब नैतिक गुण तो होने चाहिए कि ये चीज़ करनी है ये चीज़ नहीं करनी है, बाकी कुछ कुछ चीज़ें होंगे जी मतलब इतनी ज़रूरी नहीं होंदियां। जाने दा ना सुरगेश सोना लखो साड़ा करा, सुरगेश सोना लखो साड़ा करा। घर पर रोना ना यो वै कोठे बोले का सुरगेश सोना लखो साड़ा करा, सुरगेश सोना लखो साड़ा करा। दोस्तों ग्रां च खान पीन दे भी बखरे नजारे ना, अस दिखा करने भाई सच्चे मुच्चे सज्जा पर छटिए दाने चक्की पर पीते ते कन्ने देसी चुल्ली दा उपर ए टोडा उपर देसी घ्यो कन्ने आमले दा ते अंबा दा चार इक नवाला का खाना होए ते रूह तृप्त होइंदा। पर अगर तुस भी इह आला कोई स्वाद लेना चाहुंदे ते भी पाओ कुसे ग्रां फराटी ते उत्थे इह आला टोडे खाइए ते अपने मना गी तुस भी तृप्त कर सकदे। कोठे पर पो देओ रियास सो अरना अरना वाली का करता अनंत दी लता दी झूठवा जी कट्टा जी रिया लेना सो। दोस्तों लोड़िया त्यार आजकल मते सारे लोग पुल दे जा करदे पर ग्राएं च बच्चे अजे भी किट्ठे होइए ये रियासल चला दी है लोड़ी की इरन चढ़ने दी, और लोड़ी भी मती दूर नहीं
यह लोहड़ी वाला महीना चला करता, बच्चे अपनी परंपरिक जिहड़े लोहड़ी वाले गीत गाइए ते मंगिए अपना कुछ ना कुछ वो मनोरंजन का साधन बनाते हैं। तो इन्हें बच्चे अज अपनी संस्कृति की जिंदा रखिया क्योंकि लोहड़ी अज भी ये खेल करते हैं, पर शहरों अस देखे एक एक दो दो बच्चा आता जां ग्राएं च भी अज मते सारे अस देखने पहले हिरन चढ़ता लोग डंडार्स खेलते हैं, पर अज वो लुत्फ नहीं ज्यादा अज भी पहाड़ी क्षेत्र के ग्राएं दे विच वो जीवित है। ये भी एक हिस्सा संस्कृति का तुहाडे नाल सांझा किया। हुण ग्रां की होर टोह लैणे आ, होर किश लभदा वह भी तुहाडे तक पहुँचाउण दा प्रयास करने आ। दोस्तों अस खास कर देखने जल्द प्रभु का प्रसाद बनता है, देवी देवते दरबार जल्द लंगर लगते हैं, सगले पर रोटी बनती है और डाना पर बनती है। एक तो उस सगले की रोटी का स्वाद, दूआ प्रभु का आशीर्वाद जिन्हें ना पर भंडार आवा उनका जल्द आशीर्वाद जुड़ता तो ये अनाज के बच्चे और गुणवत्ता बढ़ती है और स्वाद बढ़ता है। अज इस लंगर का सेवन अस करा करने, पर मैं लगता मन तुंदा भी करा करता जे मन करता ही जरा लंगर खाने का दाल भत्त माणिया का सवाद लेने का, तो भी इस दरबार चक्कर लाओ भाई, कन्ने आशीर्वाद भी मिलना तो कन्ने इतों का इे लिया स्वाद भी। के ना जी थोड़ा? कमल कुमार। अमर कुमार जी, डोगरी मतलब तुसीं कारक वगैरह तो गाते हो? बिल्कुल। कारक के कन्ने कन्ने अपनी संस्कृति जी अपने लोग गीत उन्हें भी गुनगुनाते हो? ठीक है, बिल्कुल। सुनाओ फिर। कैसा लगे गोरिए पाड़े दा बसना, दिल लुट ले गया यो तेरा असना। कैसा लगे गोरिए पाड़े दा बसना, दिल लुट ले गया यो तेरा असना। पाड़ा दे मनुख जेड़े सच बोल दे, दिल भला भेद सारा नीनू खोल दे। पाड़ा दे मनुख जेड़े सच बोल दे, दिल भला भेद सारा नीनू खोल दे। अज दे बिछड़िया पर कदू मिलना, आवे तेरी याद मेरा मन डोलदा। पिपलां दे बूटे उपर कू बोलदा, आवे तेरी याद मेरा मन डोलदा। पिपलां दे बूटे उपर कू बोलदा, आवे तेरी याद मेरा मन डोलदा। गोरिए पाड़े दा बसना, दिल लुट लै गया यो तेरा असना। दिल लाना आंदा नी इंसान गोरिए, बड़ा डडा आंदा ये तो प्यार छोरिए। दिल लाना आंदा नी इंसान गोरिए, दिल लाना आंदा नी इंसान गोरिए। अज दे बिछड़िया पर कदों मिलना, आवे तेरी याद मेरा मन डोलदा। बड़ा खूब दोस्तों, ये खास करिए पहाड़े की शैली तो प्रदार्थ, कैसा लगा गोरिए पहाड़े का बसना। सचमुच पहाड़े का बसना तो बड़ा निराला है, बड़े खूबसूरत वातावरण च रहने वाले लोग न और इन्ने के दिलों का खुले डुले होंगे। अज पहाड़ी क्षेत्र की संस्कृति थोड़े कहीं साझा करा करते हैं, हूँ ग्रां की होर टोह लैने और किश लगता वह भी थोड़े तक पहुँचाने का प्रयास करें। जाने दा ना सुरगेश सोना लखो साड़ा करा, सुरगेश सोना लखो साड़ा करा। दोस्तों ग्रां नाथल की संस्कृति, इथों की सभ्यता, इथों का इतिहास थोड़े कन्नै साझा करा करने, इथों के ग्राम प्रधान सरपंच उन्दे कन्नै गलबात करने,
तो उनके मन की गल भी तुरंत पहुँचाने का प्रयास करना है। सरपंच साहब क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम सर धनी राम। सरपंच साहब खास कर अस देखने पे जो दूर दराज के इलाके होंगे, हाँ जी, उत्थों की जीवन स्तर जो बड़ा कठिन होंगे, हाँ जी, बड़े मेहनतकश लोग होंगे, बिल्कुल, पर सुख सुविधा नहीं मिलती जी शहरों के लोगों मिलती है। हाँ जी, तो इस ग्रां का प्रतिनिधित्व करा रहे, हाँ जी जी, अस दिखा करने आते गए थोड़े रस्ता नहीं पूरा ठीक है, की कमी तुम महसूस करते हो? अज तो गवर्नमेंट बड़ा कुछ दिया दी। सर गल ये कि एक तो पहले नंबर मैं तुम्हें मुबारक देंगे जी, साढ़े ग्रां च मीडिया पुजी है जी, ये मुबारक तुम्हें बड़ी बड़ी बड़ी, लेकिन जी रोड की गल है ये असें कोई प्रयास छोड़िया नहीं। मैं दूई बारी सरपंच बनया, उस तो जल्द पहली बारी सरपंच बनया मैं बिल्कुल पैदल हाँ जी, तो उल्ले बनाया है वो बाद कोई साढ़े इतने कोई डिवेलपमेंट का ना की चीज़ नहीं रही। अज गवर्नमेंट ने प्रयास किया एक बैक टू विलेज प्रोग्राम चलाए है और लोगों की दोबारा आवाज सुना दे है कि कमी है, वो प्रयास अच्छा है गवर्नमेंट का, क्या उस प्रयास के राय भी थोड़ी कोई गल सुनी की? सर उसे असें फर्स्ट प्रायोरिटी दी ही इस रोड वास्तव जी, लेकिन वह टेंडर होया टेंडर भी होता है लेकिन उन्हें महकमे ने लुक नहीं पाई है, हल तक नहीं पाई है जी, तो बाकी अस चाहते हैं कि एक रोड असें नवा दिता है कि जी साइड यदि सही नहीं है कि जल्द थोड़ी जी गनिया पाँदियाँ उपरा पस्सिया और आने लगे तो यह रोड पर डैमेज हो जाता, तो इस गला असं होर भी और एक बड़ा देखे जा नाला बड़ा बड़ा है, इस जल्द नाला कोई बरसाती अगर बगना शुरू है तो इधर तो लोग कटोई गए जाते होने कोई पार जाना कोई बीमार पी आ सुविधा सर ये अठ अठ दिन रोड पर नहीं आई सर, तो बैक टू बिल च भी असें दो जे दो पुलों का वो रखे हा प्रोविजर ज़्यादा तंगी है इन्या गै झूला टाइप गै भी कम चलाने वास्तव हूँ जिन्हें पर आने वास्तव भी आई सकने, लेकिन इतने सर हूँ हर छे महीने बाद जितने बाबे का दरबार अज प्रीति भोज किया है इतने हर छे महीने छे छे महीने बाद मेला लगता है और हर महीना ऐतवार जो आता है चाड़ना ऐतवार आखने उसी तो अदू इतना अस नजंदरा करने और दिन भी प्रोग्राम इंजा सड़ा अगे भी चलता रहता है जी। एक चीज़ और खास करिए कंडी क्षेत्र का ग्रां पहाड़ी क्षेत्र है जी, कि मुख्य था फसल जी थोड़ा इतने लोग किसान लाते हैं? सर फसल इतने मक तो बाजरा तो कणक जी, लेकिन जुआड़ा इन्ना हो गया कि बंदर जेड़े बेसाबे कि इतने बीज मौसम नहीं हो सकता। मैं अपनी खुद गल करना कि मैं 6,000 रुपये पिछले खर्चा है वो खैर हूँ मोदी और भी दिखा बेचारे वहाँ से कोई हासिल नहीं होता कि जा तो बंदर जो बाहर चुकी है इतने छोड़ा दी गोरमेंट उन्हें चुकी कोई नई जगह छोड़ा जितने बसती नहीं है ये पूरे पहाड़ी बैल्ट जिन्ना भी है ना मैं नाथल की गल नहीं करूँ पूरा गै जिन्ना साड़ा एरिया इधर जंगली है भी लोगों बीज भी मौसम नहीं है मक्के का आटा जी कुछ मंगिए लिया जी टोटा पकाने वास्तव भी असें मक्का मरीज नहीं छोड़ा दौ एक तो सूर आई जाते दूआ बंदर बहुत ज्यादा ये तो प्रयास सरकार करग किसान के हित वास्तव सोचेग पर एक अगर देखा जा थोड़ा साक्षरता के हिसाब करने अगर आखिर सड़क संपर्क घट हुआ तो पढ़ने में भी दिक्कत आँगी क्या बच्चे की साक्षरता स्तर कि उच्चा क्या बच्चिया भी अज साढ़े आखिर भी बच्चिया बेटी पढ़ाने का भी प्रयास करा करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी अगे कि बदग थोड़ा अगर रस्ता नहीं होगा सड़क संपर्क टुटी जाता जब पहाड़ आई जाते पानी पर पार नहीं जाए पढ़ बस उ बड़ी बड़ी परेशानी है कि मैट्रिक स्कूल है साढ़े को मैट्रिक तक अब्बल तो केंद्रीय स्टाफ ही नहीं हूँ इले भी स्टाफ साढ़े को ना जरा बिल्कुल नहीं है कोई हैड मास्टर साढ़े को 2 साल हो गया इतों चुके दे हूँ जो इंचार्ज है वो भी ट्रांसफर हो गया है हूँ स्कूल आई है लेकिन बच्चियाँ के तो बच्चे का भी उल है कि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं लभना तो वो इतों पढ़िए कोई कई लोग बेचारे ऐसे भी हैं जो पढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन उनका इतने मैट नहीं बनता उन्हें अगले स्कूल वाले दाखिल ही नहीं करते। बिल्कुल दोस्तों सच गला करते हैं ग्राएं दे विच अगर सुविधा हो तो ग्रां कदे खाली नहीं होना ना कि ग्राएं च लोग उठिए तो शहरों वाली भक्खी खिट दे जिथे इन्नी महंगी जगह खरीदी मकान बनाने पौंदे और हर एक चीज़ जी मुला होंगी पर इत्थे ग्राएं की उत्थान वास्ते भी कोई एक स्कीम होनी चाहिए है जियां बैक टू विलेज तो चला करती है पर उदे ताए कम भी होने चाहिए सड़क संपर्क अगर ठीक हो तो इतों के बच्चे जोड़े वो दूर दराज भी जाइए पढ़ी सकते हैं। दोस्तों पहाड़ी कंडी क्षेत्र के लोग जिन्हें मन का सच्चे इन्ने के दिल का खुले होंगे बड़ा आदर सत्कार करते हैं पर अस इंदे कोल अज आईए समय ते मजबूर रुखसत ते नहीं होना चाहते पर समय इजाजत नहीं दिया दा अज दा ये कार्यक्रम इत्थे गै संपन्न करन दे आस्ते आग्या चाहने आ। हाँ अगर तुस अपना ग्रां सही साधा देना चाहते हो तो घंटी मार सकदे हो साढ़े इन नंबर पर। इहदे कन्ने गै कैमरामैन दीपक ते मिगी प्रवीण शर्मा गी दिओ आ गया जय जम्मू जय डुगर जय भारत। मिट्टियाँ वहाँ वहाँ चुल्लिया।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਘੋੜੀਏ ਸੁਆਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਾਹਾਂ ਚੁੱਲੀਆਂ ਅੰਬੇ ਤੇ ਬੌਣੇ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਘੋੜੀਏ ਸੁਆਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬਈਆ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾੜੇ